टोनर कार्ट्रिज रिप्लेस करने के लिए, चेंज करने के लिए आप यहाँ पे आपको दो एरो दिखेगा और एक बटन दिखेगा यहाँ पे, तो आप क्या कीजिए ये बटन को प्रेस कीजिए। तो जैसे आप प्रेस करेंगे ना, ये दो एरो जो इक्वल था उसमें से कार्ट्रिज नीचे चला जाएगा। ये देखिए फिर से बता रहा हूँ, इसको आप ऐसा ये लॉक होता है ऐसे राउंड होकर दोनों एरो, तो जैसे आप ये प्रेस करेंगे तो नीचे जाएगा, फिर ये कार्ट्रिज को आप ऐसे बाहर निकाल सकते हैं। फिर दूसरा कार्ट्रिज लीजिए, उसको आप ऐसे इंस्टॉल कीजिए, उसके अंदर डाल दीजिए, तो एरो भी नीचे है उसको इक्वल कर देना है ये एरो के साथ, तो इसको आप ऐसा घुमा दीजिए तो ये लॉक्ड हो जाएगा। कोई कोई कार्ट्रिज में एरो नहीं होता है, कोई कोई में रहता है एरो, तो सपोज नहीं होगा तो आप ये राउंडिंग याद रखिए, जैसे पुश करेंगे तो नीचे आ जाएगा और फिर उसको ऊपर ऐसे राउंड करके लॉक करना है आप, तो वैसे आप कार्ट्रिज को इंस्टॉल कर सकते हैं। प्रेस कीजिए बाहर आ जाएगा, दूसरा कार्ट्रिज लीजिए इंस्टॉल कीजिए इसको अंदर, उसके बाद उसको राउंड में घुमा दीजिए ऐसा और ये लॉक हो जाएगा इसके साथ, फिर इसको बंद कर दीजिए। थैंक यू।